हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं रॉकी ज्ञान टेक। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ पुर्तगाल कंट्री का वीज़ा ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, पुर्तगाल कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन अपने मोबाइल से खुद से चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस क्या है। सो फ्रेंड, इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में जाके हमें टाइप कर लेना है VFS पुर्तगाल वीज़ा स्टेटस इन इंडिया, टाइप करके सर्च कर लेंगे। यह लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे ऊपर में जो लिंक आ रहा है VFS वीज़ा online.com, इस वाले लिंक पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा VFS ग्लोबल का। यहाँ पर अप्लाई फॉर वीज़ा पुर्तगाल इन इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ट्रैक योर एप्लीकेशन के सेक्शन में रेफरेंस नंबर वाले बॉक्स में क्लिक करके आपको रेफरेंस नंबर टाइप कर लेना है। आपको रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा, जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको एक स्लिप जनरेट करके दिया जाता है और आपका ईमेल आईडी पे भी मैसेज के थ्रू भेजा जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर टाइप करेंगे और डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है सेम है, कैप्चा टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बस इतना करते ही आपके वीज़े का जो भी स्टेटस रहेगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे हमारा वीज़ा स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फार एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू एम्बेसी कंसुलेट जनरल ऑफ पुर्तगाल। 5/1/2024 को एम्बेसी कंसुलेट जनरल ऑफ पुर्तगाल में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया गया है। जैसे ही एक महीने से ऊपर होता है हम फिर दोबारा यहां से चेक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्टेटस शो कर रहा, प्रोसेस्ड एप्लीकेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू कुरियर 10/1/2024 एंड 10/1/2024 को, यानी कुरियर को हैंड ओवर कर दिया गया है प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो यहां पर आपका पासपोर्ट का वीज़ा लग चुका है, आपका कुरियर के लिए भेज दिया गया है, तो जल्द ही आपके पास वो कुरियर आ जाएगा। सो फ्रेंड, इस प्रकार आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से अपना वीज़ा एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस पता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनसे जुड़ी है ना जानकारी के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।